पहुंच गए हो, मैच चल रहा है यू उम्मा और किसके बीच में, पुनेरी पलटन, ये रेफरी है मैच के, और कमेंट्री करो ना एक जना भाई, फिर सुमित भाई गए हमारे रेड करने के लिए, ये पकड़ पकड़ दिया, और सुमित को यहाँ पर पकड़ दिया भाई सबने, दोबारा सुमित, अभी सुमित को फिर पकड़ दिया रे भाई, हाय लंबू खंबू सुमित को पकड़ दिया है, फिर ये तेरी लात खतरनाक मार रहा भाई, अरे भाई भाई, अरे रे 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 रे, एक पॉइंट बोनस पॉइंट भी है भाई, किशोर गए हैं हम रेड करने के लिए, छः का डिफेंस उनके लिए, और दो पॉइंट ले, शायद एक पॉइंट लेके अपने लिए, फिर दोबारा रखें नीली पैंट में, नाम पता नहीं मेरे को इसका, छः की है तो काफ़ी अच्छा चकमा दिया, एक पॉइंट बना लिया, छः का डिफेंस था, पकड़ दिया दोबारा, निकल गया छूट के, यू मुम्बा पुनेरी पलटन, सुमित भाई की पुनेरी पलटन, कितने प्लेयर हैं, आठ प्लेयर, सात, तो तुम्हारा टीम का स्कोर चल रहा है कितना भी, 28 29 पॉइंट, और डिपेंडिंग टीम का कितना चल रहा है, 31, इसका कप्तान हो गया अपना सुमित है, फाइनल मैच इसके बाद, अरे हाथ तो मिला दे भाई, क्या नाम है इसका, पुष्कर, इसका ये अपना बिग फैन बता रहा है, पुष्कर, पुष्कर है कप्तान, और तुम्हारा टीम का स्कोर कितना हो रहा है, टीम का नाम क्या है, यू मुम्बा, और फर्स्ट प्राइज क्या है, यहाँ जो जीतेगा फाइनल, 1000 रुपए, चल देखते हैं फिर कौन जीतता है, यू मुम्बा जीतती है पुनेरी पलटन, मिनट का ये फाइनल गेम होगा, 10 मिनट में देखते हैं कौन कितना पॉइंट अर्जित करके आगे जाता है, पुनेरी पलटन और यू मुम्बा, कर दिया भाई, वो तो कटिंग है, यू मुंबई है ना ये वाली टीम, अरे दो पॉइंट लिख दो हमारे, अब देखते हैं पुनेरी पलटन से कौन जाता है रेड पे, रेडर अपने एकदम बहुत ही तेज तर्रार सुमित, नहीं सुमित जा रहा है, सुमित जा रहा है, सुमित डिफेंस उनके लिए फुल डिफेंस है शायद, यहाँ और पकड़ने का प्रयास किया सुमित को, शायद मुझे लग रहा है दो प्लेयर दो पॉइंट अर्जित किए उनने अपनी टीम के लिए, और काफ़ी अच्छा गेम देखने को मिल रहा है यहाँ पर, रोमांचकारी, और ये अपना दीपक गया है दोबारा से, बार बार ये रेडर इनके पास, और तो कोई है नहीं शायद, कसम से गेम देख के तो मज़ा आ गया यार, अपने स्कूल के दिन याद आया एकदम, ऐसे ही क्या मौसम है इधर का, देखो नदी किनारे शानदार नदियां हैं, घाटियां हैं, खेत हैं, खलियान है, वाह, और तेज तर्रार बच्चे हैं ये, इतने फुर्तीले होते हैं ना, इसीलिए अधिकतर बंदे ये पहाड़ के फौज में होते हैं, देखो सुमित को पकड़ लिया, सुमित को लंबू खम्बू बेचारे ने सरेंडर कर दिया एकदम, और फिर से गए हैं, इसका नाम पता नहीं मेरे को, डिफेंस इसके लिए है 5 का, चहलकर्मी कर रहे हैं कॉर्नर पे, कॉर्नर पे पकड़ने की कोशिश, अले हो गलती कर दी, एक ही प्लेयर साथ नहीं दे रहे मुन्ली मुझे, यू पुनेरी पलटन के, ये देखो प्रयास तो एक उनकी तरफ से सुमित है, दूसरा ये धीरज है, यही कर रहे हैं ज़्यादातर, और ये पकड़ने का प्रयास क्या तो लग रहा है पॉइंट है बताएगा, हाँ पॉइंट शायद, कुछ बहस हो रही है उनके बीच में शायद, मुझे लग रहा है कुछ बहस हो रही है, पॉइंट हो सकता है या फिर कितने प्लेयर आउट हैं, अंपायर का इशारा देखते हैं कितना होता है, कितना बोल रहा है, हाँ यही होती है, कोच्ची हो जाती है ज़्यादा लड़कों में, कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है वो, बोल रहा है अंपायर से पूछो,
ये देखो अब ये आ गया, अब दोबारा एक दोबारा ये बड़ा ही इनका बड़ा ही चहेता और कहे तो एकदम काफ़ी होनहार स्टूडेंट हमारा प्लेयर है दीपक कुमार। देखो चलने की उसकी स्टाइल देखो, बहुत ही तेज तर्रार है ये। ये देखो ये मुझे तो ये लग रहा पहली बार पकड़ा है इसको दीपक को। फिर अब देखते हैं कौन जाता है, शायद अब टी ब्रेक हो गया था। नहीं अभी सुमित गए हैं, सुमित लंबू कम्बू अपने और सुमित डराली कुछ कर रहे हैं चार गट बेंजन के लिए। मोड और लड़के पानी वानी पीने चले गए हैं, तो टीम का स्कोर बता बुड्ढी बताया कि टीम का स्कोर कितना हो रहा है यू मुंबा का। यू मुंबा का चल रहा है तुम्हारा 37 पॉइंट और दूसरा पुनेरी पल्टन का 37 और यू मुंबा का 41। कितने मिनट का गेम बाकी रह गया इसके बाद? अब गेम वाला वो उसको पता है, टाइमर कौन है? बच गया, बचा हुआ है 7 मिनट का गेम बचा है। एक बार फिर गेम स्टार्ट होने वाला है टाइम आउट के बाद और रेड करने जा रहे हैं। प्लेयर रेडी हो रहे हैं सारे बंदे चाय वाय पी के पानी वानी पी के। तो दोबारा शुरू हो चुका है गेम, काफ़ी रोमांचक गेम है, फाइनल गेम है प्रो कबड्डी का। ₹1000 फर्स्ट इनाम है, कोई बात नहीं हमारे यहाँ तो एंजॉय के लिए ₹1000 काफ़ी है। बच्चे काफ़ी उत्साहित है और ये रेडर गए हैं रेड करने के लिए और यहाँ पर उनके लिए पूरा प्ले टीम नहीं, छः का डिफेंस एक कोने पर ही है कॉर्नर, हाँ चहलकर्मी करने कॉर्नर में। और भाई अपने छोटे कद के तो हैं पर डरा के रखा है सुमित की पूरी पुनेरी सुमित की पलटन को। भाई ये देखो सुमित पुनेरी पलटन को डरा के रखा है, एक प्लेयर शायद मुझे लग रहा है टच कर ले एक ने। ये देखो अब फिर से सुमित अपने टीम के एकदम रेडर मान, एकदम खतरनाक वाले रेडर। ये आता डरा रही है भाई, ये देख पकड़ने का प्रयास सुमित को और देखते हैं लाइन छुई नहीं छुई। देर पकड़ दिया रे बेचारे को, पकड़ दिया रे। अब दोबारा फिर वही गए हैं रेड करने के लिए। लड़के का मेरे को नाम पता नहीं है एक्चुअली, वही तो ऐसे ही आया था, मैंने कहा चलो यार इनकी भी बनाते हैं लोग। लड़कों ने बोला हमारा बना दो। अभी जा रहे हैं अपने किशोर रेड करने पे और डिफेंस है उनके लिए चार ही दिख रहा है। फिर अभी ये चार नहीं पाँच का डिफेंस लग रहा है, छः का डिफेंस और ये बोनस पॉइंट छूने का प्रयास। बोनस पॉइंट छुआ, ओ छू लिया बोनस पॉइंट, अभी बोनस पॉइंट मिलेगा नहीं। चलो कोई नहीं, मैच कर रही थी पूरा प्रयास अपने लिए टीम अंक अर्जित करने, कोई नहीं टाइम स्पेंड किया अपना। फिर जा रहे हैं वही बंदा, ये दो बंदे लग रहे हैं इनकी तरफ से रेड करने वाले। नीली पेंट वाला बहुत जा रहा है रेड करने के लिए, देखते हैं इसे पकड़ते नहीं पड़ते पकड़ने का। ओहो दो बार इसी ने प्रयास किया पकड़ने का लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बार बार छूट के चलेगा। अब दोबारा जा रहे हैं धीरज, जा रहे हैं फिर अब रेड करने पे, देखते हैं क्या करते हैं धीरज अपने। और ये कॉर्नर नहीं खेल रहे हैं, हाँ कॉर्नर खेलना चाहिए, कॉर्नर को कॉर्नर। पूरी टीम दबाव घेरा बना के डाले, ये देखो ये ऐसा होना चाहिए कबड्डी में, एकदम घेरा डाल के बंदे को मौका ना लगे अंदर जाने का। एकदम अंदर गया नहीं, पकड़ तुरंत एकदम घपैक करके एकदम है, देखो वही फ़ायदा उठाया बाहर कर दिया। और इस तरीके से मुझे लग रहा है रोमांचकारी गेम हो रहा है ये गेम, तो मेरे को लग रहा है पुनेरी पल्टन के हाथ से, कहा पुनेरी पल्टन के पास कम है गेम, एक प्लेयर है। ये देखो डिफेंस कितने का है, डिफेंस दो का है शायद, हाँ ये इनके रेडर खतरनाक है दीपक भाई, इसने तो सारे बंदे इसने आउट कर रखे हैं रेड पे। ये देखो धक्का देगा शायद इसको, अभी अपना टाइम पूरा ले रहा है ये। चलो अब देखते हैं रेड पे कौन जाता है, रेड पे गए अपने रेड पे गया ये अपना किशोर गया रेड पे, देखते हैं किशोर क्या करता है। किशोर के लिए डिफेंस पूरा टीम का डिफेंस है, 6-7 के 7 डिफेंस है, बोनस पॉइंट तो छू लिया। अब देखते हैं पकड़ने का प्रयास सुमित को, लेकिन एक पॉइंट लिया उनने, किशोर ने एक पॉइंट अर्जित किया, एक बंदा फिर से उठेगा जीवित हो जाएगा। अब देखते हैं किसे उन्होंने अपनी टीम में लिया है, अब सुमित दोनों प्लेयर मस्त एकदम खतरनाक प्लेयर हैं, जिसे लेना चाहते हैं उसे ले लिया उन्होंने सुमित। और पकड़ने का प्रयास करते हैं धनगढ़ी को, देखते हैं क्या करते हैं प्लेयर खतरनाक है। फाइट देखो उसकी, ये देखो ये ओहो गलत किया भाई, अरे यार हटा, ओहो ये तो बड़ा ही अच्छा रहा, प्रदर्शन बहुत ही थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, निराशाजनक। और यू मुंबा का स्कोर काफ़ी अच्छा, सुमित जा रहे हैं रेड करने के लिए, रेडर आप इधर से अपने, और देखते हैं दीपू क्या करते हैं, बोनस पॉइंट करते हैं या फिर पॉइंट बना के लाते हैं। फाइट खतरनाक मार रहे, लात मार रहे हवा में एकदम, ये
अपना पूरा टाइम लेते हुए। बहुत तेज तर्रार पॉइंट लिया था सुमित ने। नीरज जा रहे रेड करने के लिए और एक पॉइंट जीत गया नीरज ने। नाम बताया तेरे मिकड़ी से। अभी कौन जा रहा है? दीपक। दीपक फिर रेड करने के लिए। तीन मिनट का गेम शेष बचा है और स्कोर क्या चल रहा है? स्कोर लीड पे चल रहा है। पुनरी पलटन 50। बुड्ढी स्कोर तो बता दे क्या चल रहा है। बोनस ले लिया उसने। वो बोनस ले लिया। बोनस पॉइंट ले लिया भाई। बुड्ढी बोनस होगा हैं? बोनस 53 और 43। 53 और 43 आने की। अभी यू मुंबा आ गया है। बोनस ले लिया। यू मुंबा को कुछ पूरी टीम अलॉट करनी पड़ेगी शायद तभी जाकर। अरे हो तीन पॉइंट। गेम बनता हुआ यहाँ पे। 53 और 47। 5 बराबरी के लिए 5 पॉइंट चाहिए पुनेरी पलटन को। और वही अगर जीतना है तो यू मुंबा को अपनी बढ़त बना के रखनी पड़ेगी। 5 4 3। फिर से धनगड़ी के द्वारा और ये गेम लगभग पुनेरी पलटन इस गेम को हार चुकी है। यू मुंबा की और गेम जा चुका है लगभग क्या पूरे जा चुका है। और ये फिर जा रहे अपने दीपू रेड करने के लिए। देखते हैं क्या करते हैं, पॉइंट बनाते हैं या फिर पकड़े जाते हैं। ओहो एक पॉइंट बनाया उन्होंने अपनी टीम के लिए। फिर से दोबारा बार बार रीड करने के लिए वही अपने दीपू जा रहे हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। अब पकड़े जाते हैं या फिर पॉइंट बना के लाते हैं। टाइम भी शायद मेरे को लग रहा है एक आधे सेकंड रह गया होगा, एक मिनट रह गया होगा। दीपक जूम बदल माल ला किला हम चाहे इंद्र भाई यार। क्या की दिखाऊंगा? बोनस प्लस 3 पॉइंट। मात्र 58 सेकंड का गेम बाकी और यू मुंबा काफी अच्छी बढ़त बनाए हुए और पुनेरी पलटन हारती हुई गेम को मेरे को तो ऐसी लग रहा है फिलहाल। सुमित काफी हताश दिख रहे हैं। बार बार रेडर एक ही है शायद इनके पास। दीपू जा रहा है बार बार रेड करने के लिए। उपनाम धनगड़ी और एक पॉइंट शायद अर्जित किया नहीं किया उन्होंने। 57 सेकंड का गेम बाकी है भाई। 5 4 एक पॉइंट बोनस प्लस 1 पॉइंट अर्जित किया दीपू ने। बोनस प्लस 1 फिर गए हैं रेड करने के लिए। इसका नाम क्या रेड करने वाले का? किसका? नीरज के रेड करने के लिए। देखते हैं क्या करते हैं। बहुत जरूरत है उनको ऑल आउट करने की और भाई पकड़े के नहीं लाइन से बाहर गए। कोई फायदा नहीं उनका। दो प्लेयर तो उन्होंने आउट कर दिए थे, नहीं तो पॉइंट बना लिए थे। फिर से अपने दीपू के रेड करने के लिए। इनके पास एक ही रेडर है, इनका खतरनाक रेडर। 13 सेकंड की रेड बाकी है। टाइम बचा है, टाइम घटता जा रहा है पल पल के साथ। पूरा टाइम स्पेंड करके आते हैं लगता है मेरे को। लग रहा है दीपू अपना
पांच और फिर एक बंदा उन्हें आउट भी कर लिया और इस तरह इस गेम को जीत गई है पुनेरी पलटन, हार गई है और यू मुंबा गेम जीत गई है। ये तो पुनेरी पलटन के अपने कैप्टन हैं सुमित, अब प्राइज उनको बांटेंगे अब वो पैसे। दोहर कैप्टन का दोहर कैप्टन जैसे ये कैप्टन मुझे था ये था तो कैप्टन चाहिए तब तुम दिन थोड़ा इंटरव्यू चल थोड़ा क्लोज है। तो पुनेरी पलटन के कैप्टन हमारे सुमित भाई हैं अपने, तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहा गेम आज आपका। गेम काफ़ी अच्छा रहा और टीम हमारी जो भी कहते हैं थोड़ा वही थोड़ी ढील थी, टीम के खिलाड़ी अगर थोड़ा वही सपोर्ट देते सपोर्ट कर रहे थे बट तुम्हारा थोड़ा कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया उस टाइप से। अच्छा अच्छा पॉइंट अब तो नेक्स्ट मैच कब होगा? तो अगले संडे के लिए तैयारी कैसी रहेगी आपकी? छह दिन का टाइम है, छह दिन में अच्छी तैयारी करेगी। तो विनर टीम के कैप्टन है अपने, क्या नाम है, नीरज पुष्कर। तो पुष्कर जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि हमारी टीम ने पूरा सपोर्ट दिया और सबने अपना योगदान दिया है। अच्छा पूरी मिक्स टीम थी ना, आधे बंदे कहाँ के बंदे थे, मतलब हमने मेहनत का फल में हमको मिला। हजार रुपए मेहनत भी बहुत किया था, फर्स्ट इनाम 1000 रुपए था ना, 1000 रुपए। 1000 रुपए बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात होती थी मतलब छोटे छोटे हैं हम, अभी बड़े थोड़े हो गए हैं मतलब तब भी हमारे लिए 1000 रुपए बहुत है। 1000 रुपए बहुत है। और हमारे मेन रीडर, मेन रीडर, मैं इनको देख रहा था सारे मैच में यही रीड कर रहे थे हर हमेशा रीडर, मतलब हमारी टीम के रीड की हड्डी बोल सकते हैं, रीड की हड्डी। चलो नेक्स्ट मैच में मिलते हैं फिर, अब नेक्स्ट मैच कब होगा? चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट मैच में मिलते हैं। उसमें डेगार की टीम भी आएगी, डेगार की टीम भी आएगी उसमें। अपने टाइम की बात करें तो हम तो पैदल ही जाते थे, लेकिन आज के दिन में देखो सब बाइक वाइक लेके आ रखे हैं मैच खेलने के लिए और कुछ लोग चले भी गए हैं, तो हम भी चलते हैं फिर। अमित भाई चले घर को अब, चलो फिर मिलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे हम सेम इसी का नया, अगले संडे को फिर से गेम होगा। अब तक के लिए मैं भी चलता हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।